ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है। अगर आप लोग किसी बात पे परेशान हो या डिप्रेस्ड हो तो सिर्फ एक दफा इस वैन के बारे में सोच लो कि ये वैन उस वीडियो में जो बहुत हिट हुई है, और उस वीडियो में भी इस वैन को बेचारी को कार बना दिया गया है। ये वैन भी कह रही होगी मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया मेरा। इस चीज से हम लोग एक बात सीख सकते हैं कि जो नसीब में होता है ना वही मिलता है। आप खुद ही देख लो कि अगर यूं वैन पीछे खड़ी रह के इग्नोर हो सकती है तो फिर आप लोग क्या समझते हो कि चार दिन मैसेज करने से उससे आपकी शादी हो जाएगी। हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है। तो जब भी कोई नया ट्रेंड आता है तो उस पर फिर हर कोई अपने हाथ से देखता है, तो फिर मैंने भी कहा कि क्यों नहीं। अब जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो बहुत से लोग इसको एंजॉय कर रहे थे और इसको अपने लिहाज से रिक्रिएट भी कर रहे थे। बहुत अच्छी बात है यार कि शुगल मेला लगा हुआ था, लगा ही रखो शुगल मेला। लेकिन फिर एक ऐसी कॉम भी थी जो बिला वजह फुफो बनी हुई थी। कोई ये कह रहा था कि इन्होंने एसीसीए में हाईएस्ट मार्क्स लिए, तो कोई ये कह रहा था कि ये पाकिस्तान की ऐसी पहली डॉक्टर है कि जिनकी बुक कोई बेस्ट बन गई है। माशाल्लाह वाजवा सुभान अल्लाह। लेकिन फिर भी ये पारी हो रही है ही क्यों वायरल हो रहा है। वायरल तो फिर इनको भी होना चाहिए जी। तो जो जो बंदा भी ये बात कर रहा है ना उसे मैं यही कहूंगा कि भाई आप अकल के काने हो, बल्कि नहीं अकल के काने नहीं, उसको भी एक आंख से दिखता है, आप अकल के अंधे हो। गजब बेइज्जती है। यानी कि आप लोग ये कह रहे हो कि अगर कोई स्टूडेंट या डॉक्टर अपनी फील्ड में कामयाब होता है तो फिर उसको इधर सोशल मीडिया पे लाके स्टार बना दें, उसको कोई 1 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल दे देते हैं कि भाई आपने अपनी फील्ड में टॉप किया, चलो आगे अब इधर लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दो। कोई सेंस है इस बात की। तो फिर इस हिसाब से तो अगर कोई कंटेंट क्रिएटर कामयाब हो तो उसको भी फिर किसी अदालत में जज लगा दो, अगर कोई प्रैंकस्टर फेमस हो जाए तो फिर उसको भी वजीर आजम बना दो, फिर वो भी प्रैंकस्टर बैठ के ये कह रहा होगा कि आपने घबराना नहीं है। माफ करना मैं थोड़ा इधर उधर निकल गया था, बाद में पता चले नोमी साहब की कोई वीडियो नहीं आ रही। अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने जो किया उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन मुझे खुद बताओ कि एक स्टूडेंट या एक डॉक्टर का सोशल मीडिया से क्या लेना देना। उनकी अपनी फील्ड है और एक कंटेंट क्रिएटर की अपनी फील्ड है, तो फिर इस तरह की बातें करने की मुझे नहीं समझ आती कि क्या लॉजिक बन रही होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब जैसे कि मैंने पहले कहा है कि जब भी कोई नया ट्रेंड आता है तो उस पर हर कोई अपने हाथ सेकता है, तो मुझे ये एक हकीकत टीवी की तरह का चैनल भी अपने हाथ सेकता नजर आया। नहीं नहीं, ये दिन में 5 वीडियो अपलोड नहीं करता, ये अपने चैनल पे कहानियां सुनाता है। गजब बेइज्जती है। पारी हो रही है गर्ल, रियल नेम, बायोग्राफी, फुल स्टोरी, और ये फुल स्टोरी 1 मिनट और 3 सेकंड की है। चलो खैर इस पे नजर डालते हैं फिर। चलो चलो चलो। सो गाइज, इंडिया और पाकिस्तान में हाल ही में टिकटॉक पे और यूट्यूब पे वायरल हुई ये गर्ल, आखिर ये है कौन और इसका क्या नाम है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। पहली बात तो ये है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि इंट्रो में ये लड़की उछल क्यों रही है, और दूसरी बात ये है कि ये वीडियो टिकटॉक या यूट्यूब पे नहीं इंस्टाग्राम से वायरल हुई थी। भाई थोड़ी सी सर्च ही कर लेनी थी यार, क्या चला जाना था। आखिर ये है कौन और इसका क्या नाम है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उससे पहले कि इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। तो 1 मिनट की वीडियो में से पहले 16 सेकंड इसी बात पे खा गया ये बंदा। मैंने पहले ही कहा था ना कि ये हकीकत टीवी है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें। अब आप लोग ना ये बात मान लो कि हकीकत टीवी एक चैनल नहीं बल्कि एक कैफियत है जो कभी भी किसी पे भी आ सकती है। बहुत चंगा ना मैं। सो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ये अभी यूट्यूब पे बहुत ही ज्यादा फेमस हो रही है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, मगर ये एक टिकटॉकर है, पाकिस्तानी टिकटॉक। ये अपनी टिकटॉक की वीडियो सारे इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हैं। अरे नहीं यार नहीं, ये टिकटॉकर नहीं है। लेकिन चलो उसे छोड़ो, मुझे ये बताना कि ये वीडियो किस पे शेयर करती थी। ये अपनी टिकटॉक की वीडियो सारे इंस्टाग्राम पे भी शेयर करती हैं। इंस्टाग्राम होता है भाई। इंस्टाग्राम तुमसे ना हो पाएगा। तो खैर ये ट्रेंड आया, इसका फायदा तो सबने उठाया, मैं खुद बैठा यही कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा इनको खुद को हुआ है जी। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब इनकी ये वीडियो नई नई वायरल जा रही थी ना, तो तब मैंने इनका इंस्टाग्राम देखा था, तो वो तकरीबन 1,30,000 फॉलोअर्स पे था, और अब माशाल्लाह रिकॉर्डिंग के टाइम पे 7,16,000 फॉलोअर्स हैं। कल शाम 7:42 यानी कि 16 तारीख की शाम का ये स्क्रीनशॉट है, और इसमें इनके 6,30,000 फॉलोअर्स हैं। सही, जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। खैर चलो लगे हाथ इनका इंस्टाग्राम का कंटेंट भी देख लेते हैं। Are you comedy me? जी मैं बस वो हकीकत टीवी वाले भाई से माजरत ही करना चाहता हूँ कि हाँ यार आप पहले सही कह रहे थे, ये टिकटॉकर ही है, लेकिन बस वो एक छोटा सा मसला है कि ये अपनी वीडियो बना के टिकटॉक पे पोस्ट नहीं करती, अपनी टिकटॉक वाली वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती हैं।
तो खैर जी बस यही था आज के लिए। मैंने भी कहा कि क्यों ना मैं भी ट्रेंड पे खेल लूं, क्योंकि फिर पैसा ही पैसा होगा। तो बस जी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो। आज का लाइक हम रखते हैं फिर से 5000 लाइक्स का। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने किसी को तकलीफ नहीं होगी। और बस अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करो यार, क्योंकि जो भी बंदा चैनल को सब्सक्राइब करेगा ना, और जो सब्सक्राइब करने के साथ फिर बेल आइकन ऑन करेगा। और बस अगर वीडियो देख के जिंदगी में सुकून आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि सुकून लेने का हक हर बंदे का है। तो बस चलता हूँ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मेरी पहली मोहब्बत है, मेरी पहली ये चाहत है, मेरी इतनी सी हसरत है, गले लग जान जहां, सुलगी सुलगी बदन है, उलझी उलझी है मन है, बढ़ती जाती है तन की प्यार।